हल्द्वार क्षेत्र के ग्राम नवादा तुल्ला में जल भराव से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि गांव में पानी भरने से परेशान लोगों की जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर दिया। दरअसल इस गांव में सड़कें बेहद गहरी होने के कारण जरा सी बारिश पड़ने पर जल भराव हो जाता है। बारिश के बाद गाँव का आलम कुछ यूँ है कि ये गाँव तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। गांव वालों की माने तो कुछ दिन पहले पानी भरा होने के कारण बिजली के खंभों से करंट उतरने के चलते एक किसान के बैल की मौत हो गई थी। गांव में इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान और ग्रामीण कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। लंबे समय से गांव में बनी इस समस्या की कहीं सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने अब आंदोलन का रुख करने की योजना बनाई है। गांववासियों की माने तो अगर जल्द इस समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो ग्रामीण अनशन पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कें भी जाम करेंगे। हल्द्वार से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। नाम डॉक्टर समरपाल सिंह है जी। कहाँ के निवासी हैं? निवासी नवादा गांव तुल्ला का जी। बताइए क्या परेशानी है आपको? मेरा गाँव हल्द्वार ब्लॉक में पड़ता है और 27 मई की बारिश से लगाकर आज तक ये पानी यहाँ सूखा हुआ नहीं है। कितनी बार मैं गाँव वालों के साथ जिला अधिकारी बिजनौर, CDO साहब, जिला पंचायत राज अधिकारी, SDM बिजनौर, तहसीलदार बिजनौर, नायब तहसीलदार बिजनौर से मिल चुके। हर आदमी आश्वासन देता है, किसी ने आज तक आकर यहाँ मुआयना नहीं किया। मेरे ख्याल से पिछले साल भी 2 महीने जनता जो है पानी में निकली है। पिछले साल मास्टर भारत सिंह है, उनका बैल एक एक्सपायर हो गया था, यहाँ करंट उतर गया था। इसमें 2 बिजली के पोल हैं, बीच बीच में कभी कभी इसमें करंट आ जाता है और 24 घंटे यहाँ खतरा बना हुआ है। पर किस प्रशासन ने बिल्कुल आंख नहीं खोली। हर आदमी हमारी एप्लीकेशन लेकर लगता, आश्वासन दे देता, 3 दिन वेट करते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं। आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या करोगे आप? अगर यही हाल रहा तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, रोड जाम करेंगे और यह बिजली विभाग के जो है ना दफ्तर सील कर देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार जी, ग्राम प्रधान नवादा जी। बताइए ये जो पानी का निकासी के बारे में क्या कहना है आपका? पानी की निकासी की समस्या यही है। मैंने कई बार लोग मदद करवाया, पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ और इससे मच्छर भी बहुत है, बीमारी का भी खतरा है और स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, वो मेन रास्ता है गाँव में। सबसे पहला मेन रास्ता यही है गाँव में पढ़ने का। और दूसरी सुमालखड़ी का पानी बीच में आता है दूसरी पंचायत का, और दूसरी पंचायत में उसका पानी थोड़ा तालाब खाली हुआ हो या है उसमें हो सकता है। पर मैंने सबको अवगत करवाया, BDO साहब को भी और सांसद साहब को भी, सभी को ही सूचना दे चुका हूँ, सभी अधिकारियों को बताया, सभी को ही बताया, पर सबसे मैंने बताया कोई समस्या नहीं है। और इसमें 440 के 2 पोल हैं लाइन के जो रास्ते के किनारे किनारे हैं, तालाब के भरे दो हैं, उन पर भी करंट घूमने का खतरा है। पिछले साल एक बैल उड़ गया था और गाँव वाले भी बहुत परेशान हैं। कब से परेशान है गाँव वाले? इन्हें तो जब शुरू बरसात हुई थी तब इसी पर से। तो अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं सुनी? नहीं, उस टाइम पर कहते हैं हाँ चलो करते हैं करवाएंगे, और उसके बाद कोई कुछ नहीं, इतना वो नहीं हो पा रहा है। मैंने सबकी नॉलेज में इस चीज़ की, जितने भी अधिकारी हमारे सबको अवगत करवा चुका हूँ इस चीज़ से और सबकी।